और ओके तो निशान आ जाएगा। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। जी मेरा नाम है विजय कुमार। विजय कुमार जी, आप किसी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं रखते? जी नहीं। नहीं, हमें आम आदमी का इंटरव्यू लेना है जिससे ये पता लगे कि दिल्ली की समस्या क्या है। आप हमारे को बताएंगे कि इस समय क्या हालात है दिल्ली के भोजन को लेकर, राशन को लेकर, इस पर आप बताइए। नहीं सर, ऐसा है, देखो भोजन तो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, और बल्कि टीवी में हमारे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी ने ये भी इंटरव्यू दिया था कि जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी भोजन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भोजन नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिला हो तो हमें बताएं, अगर कहीं मिला हो तो किसी पब्लिक को, किसी को मिला हो एक को भी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। और बल्कि हम इस एरिया के अपने आडवली बनी हुई है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और ये उनके सचिव हैं, ये उपाध्यक्ष भी हैं, मतलब अभी तक किसी एरिया में किसी सरकार का कहना है, दिल्ली सरकार का कहना है भोजन जो है वो सभी स्कूलों में तैयार मिलेगा, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ हाँ, ये कहा गया था, ये हमने खुद देखा था कि थोड़ा बहुत भोजन मिल रहा था, लेकिन क्या था, हमारे एरिया के 91 वार्ड के एक मंडल अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वह हर रोज खाना जैसे ही पहुंचता था स्कूल में, वह खाना चुरा चुरा के पहले भेज दिया करते थे, जिसकी कि वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें से कि SDM साहब ने खुद उनको धक्के मार के स्कूल से बाहर भगाया था मंडल अध्यक्ष। वह खाना चुरा चुरा के पहले घर भेज दिया करते थे, बाद में पब्लिक को बांटते थे जो बचा हुआ। तो ये तो पब्लिक के साथ भी नाइंसाफी, जब केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है केजरीवाल जी को और भी सबको, तो उनको खाना बांटना चाहिए पब्लिक को, जो चीज़ पब्लिक के लिए आई है। भोजन चोरी कब हुआ था ये? जी ये पिछले लॉकडाउन में चोरी हुआ था, इस लॉकडाउन में वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा उस स्कूल में। अब SDM साहब ने खुद कहा था कि ये क्या कर रहे हो, खाना चुरा रहे हो, बाहर निकलो। भोजन चोरी हो रहा था, खाना चोरी हो रहा था तो बट रहा था, अब नहीं चोरी हो रहा तो बट भी नहीं रहा। जी हाँ, अब बट भी नहीं रहा, अब क्योंकि जब उनको खुद खाना नहीं मिल रहा आम आदमी को, तो क्यों बांटेंगे? दिल्ली सरकार ने तो टोकन दिया है। नहीं सर, कोई टोकन नहीं दिया सर, उनके तो विधायक करा के टोकन हमने सब जगह बांट। नहीं जी, आप हमें बताएं किसको टोकन दिया, आप हमें एक भी कोई एड्रेस कोई किसी का नाम बताएं, हमारी नॉलेज में हमारा इतना बड़ा एरिया है। सरकार लॉकडाउन में डबल राशन दे रही है, उसके बारे में आप बताएंगे राशन कैसा मिल रहा है? हाँ, डबल अगर राशन देती है तो मैं उनको बताता हूँ, अगर डबल दे रही है, उसमें डबल में भी गेहूँ नहीं है, जबरदस्ती कह रहा भाई आटा मिलेगा, राशन वाले कह रहे हैं आटा मिलेगा 11 रुपये किलो, गेहूँ नहीं है कहते हैं, बता रहे हैं नहीं तो फ्री कहते हैं, फ्री गेहूँ देंगे, लेकिन गेहूँ कहते हैं खत्म हो गया, अब आटा पड़ा राशन वाले, तो मजबूरी में आम पब्लिक क्या करेगी, 11 रुपये किलो आटा ही लेगी राशन से फिर, जब गेहूँ तो दे नहीं रही सरकार। हाँ, हम इस बात को कहते हैं कि गेहूँ नहीं मिल रहा जी, हम कहते हैं गेहूँ नहीं मिल रहा हमारे को, बल्कि आटा मिल रहा है 11 रुपये किलो। हाँ, 11 रुपये किलो आटा मिला, कहते गेहूँ खत्म हो गया। शिकायत आपने जो आपके खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से, इमरान हुसैन, हाँ जी, वे बल्ली माराम के विधायक भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो उनसे शिकायत क्यों नहीं की? जी मैंने शिकायत की थी, मैंने यहाँ के मनोनीत निगम पार्षद हैं महावर जी, मैंने खुद उनसे शिकायत करी थी इस बात के लिए, महावर जी भी हाँ कह सकते हैं कि मेरे को विजय ने कॉल की थी, मैंने खुद उनको शिकायत की कि भाई गेहूँ क्यों नहीं मिल रहा है, आटा ही मिल रहा है और 11 रुपये किलो मिल रहा है वो भी आटा भी, कि राशन में गेहूँ क्यों नहीं बट रहा, खैर आएगा तो वो भी बटेगा। जब फ्री बोल दिया गया तो 22 मई तक उन्होंने कोई गेहूँ नहीं मिला, आटा मिल रहा था 11 रुपये किलो, ये थी आम आदमी पार्टी की ये सच्चाई है जी। हम कहते टोकन नहीं हमारे पास भी, किसी इलाके में नहीं दिया। समस्या यही है वैसे तो, समस्या देखो काफ़ी है जी, समस्या ये है कि मेन समस्या यही बताई जा रही है भोजन के लेकर, राशन को लेकर के, बाकी और कोई समस्या ऐसी बहुत सारी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो बताया है वो आम आदमी पार्टी के या किसी की भी जो काम है वो उसके बारे में इन्होंने बताया। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी पर।